या अली मदद। अलवाइज अबू अली वाइज नंबर 228। हजारों लाखों दुनियावी तौर पर भी दीनी तौर पर भी। मिसाल के तौर पे किसी को खुदा खूबसूरत देता है, किसी को खुदा तंदुरुस्ती देता है, किसी को खुदा ताला बड़ी इज्जत आबरू देता है। औलाद भी खुदा की एक नियामत है, बख्शिश है, और इल्म है, ये भी खुदा की एक रहमत और बख्शिश है। तो दुनिया के अंदर ऐसी नौ नियामतें हैं जो हमारे पीरों ने गिनानों में फरमाया है कि या मौला तू जो राजी हो गए तो नौ की नौ सब नियामतें मिले, क्योंकि खुदा नौ की सारी नियामतें एक ही वक्त एक आदमी को नहीं देता। किसी को आठ तक देता है, किसी को सात देता है, किसी को छह देता है, किसी को एक देता है, और ऐसे भी है कम नसीब जो एक भी नहीं मिलती। तो ये उस मौला के हाथ में, और हमारी इबादत करने के हिसाब से तो उसको याद करो तो वो कुछ ना कुछ। तो ये जो नौ नियामतें हैं दुनिया की, तो इसी तरह से नौ नियामतें इंसान की और रूहानी भी हैं जो दुनिया के साथ बंधी हुई है, जैसे कि ईमान। कुछ नसीब हैं जिनको खुदा ईमान की बख्शिश दे, जैसे कि इबादत। अल्लाह राजी होता है तो वो लोग उसको इबादत करते हैं, याद करते हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो मेरा जिक्र करते हैं मैं उनका जिक्र करता हूँ। इसी तरह से सखावत, सखावत में बहुत सी चीजें हैं। इल्म देना भी सखावत है, माल देना भी सखावत है। नूरबानो भाई ने पूछा कि भाई दुआ ले जाने की मेरी तौफीक नहीं किसी रूहानी के लिए, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा दुआ मांगो, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो। तो किसी के लिए दुआ करना वो भी सखावत। तो इस किस्म की रूहानी नियामतें, औलाद, पैसा, तंदुरुस्ती, वो दुनियावी चीजें हैं। तो फिर हसीन कबीर की उनकी ये जो विनती है, मैं 5 बरस पहले आया था, मैंने इसके ऊपर राज की थी इधर ही बगीचे में। तो इसमें 9 पाठ है, हर पाठ के अंदर एक चीज की आज भी की गई है। तो मैंने तुम्हारी बुक में हर पाठ के सामने लिख दिया है कि इस पाठ की जो मेन चीज है वो क्या है। और यह गिनान है जी, देखो मेरा गला बिगड़ा हुआ है। आश तुम्हारी किसने ये मांगा कि सारी
ये जमात है जो गत हैं, गतियों जो गत में हाजिर है। मोमन ने कहा, गतियों कहा, जमात खाने के अंदर जो लोग हाजिर होते हैं उसको गत कहते हैं, और सारी दुनिया की जो जमाते हैं उसको जुमलो जमात कहते हैं। तो जमात खाने में बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जिनको ईमान नहीं होता, तो वो भी सारी जमात के साथ खड़े होकर तस्वीर निकालते हैं। तो फिर कहते हैं कि उम्मीद रख के है कायम स्वामी, कायम यानी हाजिर ईमान, क्योंकि हाजिर ईमान हमेशा हयात है। हमारी तुम फिक्र कर, मतलब कि हमारी बात सुन, हमारी आजदी को सुन, सारी गत खड़े होके तेरे हुजूर में आजदी करती है। और आजदी यह है कि रिसीवर को, मोमनों को तू राज दे। अब मोमन का राज क्या है? ईमान। तो इस पाठ के अंदर ईमान की आजदी की गई। अगर ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। तो मोमन का जो बड़े में बड़ा राज है तो वो उसका ईमान है। बाबा ने हजरत ईमान कोंगो गए थे 63 में, सब गए सेकंड टाइम। मामा फरमाया मुझे पता लगा कि 2-3 दफा तुम लूट गए हो, और वो इस तरह से लूटे के 3 कपड़े रहे, घर का फर्नीचर तक वो चोर लोग डाकू उठा ले जावे। और डाकू कौन होते थे? मिलिट्री वाले, बंदूकें राइफलें होती थी, तो ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे। औरतों के दागीने उठा ले निकाल दे, बार दफा पैसा खींच लेते थे तो कान फट जाते थे। इस तरह लूटे, लेकिन 6-12 महीने के अंदर व्यापार के अंदर उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी कि अगर उन्होंने 1,00,000 रुपया नुकसान उठाया था तो उनको अभी 2,00,000 मिल गए। तो दूसरी दफा लूटे तो 2,00,000 चले गए, तो 12 महीने में इतना व्यापार हुआ कि 4,00,000 हो गए। वो लूटते रहे, बढ़ते रहे। अगर मन फरमाया कि कभी 100 दफा भी अगर तुम नीचे गिर पड़ो, लूट जाओ, अगर तुम्हारा ईमान सलामत है तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं। हमारे मजहब में, हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में अगर कोई सबसे आला उत्तम चीज है तो वो ईमान है। इसीलिए ईमान फरमाया कि हमेशा अपनी ईमान की सलामती की दुआ मांगते रहो, अपने लिए ही नहीं अपनी आला औलाद के लिए भी, और जिनसे मोहब्बत हो उसके लिए भी। या मौला इसको ईमान दे। तो ये जो ज्ञान का पाठ है इसके अंदर जो रिकीसर का जो राज है, तो ये बंगले मोटरे रिकीसर का राज नहीं है, तो काफिरों के पास भी है। तो रिकीसर का राज ईमान। Thank you.
یا مولا آج دسواں وقت ہے, ہماری یہ دنیا نو دوروں میں گزر چکی ہے. ہر ایک دور 432,000 برس کا ہوتا ہے, تو نو دور اس پہ نو پیریڈ گزر چکے ہیں, اور یہ جو دسواں دور ہے اس کے 7,000 برس نکل گئے ہیں, 425,000 برس ابھی بھی باقی ہے, اور یہ 425,000 برس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا جل جائے گی. اور جس دن یہ دنیا جلے گی اس میں درخت, جانور, انسان, جو کچھ ہوگا وہ سب جل جائے گا, اور وہ قیامت کبرا ہے, بڑی قیامت. لیکن ہر انسان جب گزرتا ہے تو موت کا دن اس کے لیے قیامت کا دن ہے. یوں نہیں کہ انسان آج گزر گیا تو اس کے روح کو خدا 425,000 برس تک ایسا رہنے دے گا اور پھر حساب لے گا, ایسا نہیں ہے. مسلمان ایسا سمجھتے ہیں اور یہ غلط ہے. موت ہے وہ قیامت کا ہے, موت کے وقت ہمارا حساب کتاب ہو جاتا ہے. تو آج ہم مولا کے پاس عرض کرتے ہیں کہ یہ دسواں دور ہے اور آخری دور ہے. تو یہ جو آخری دور ہے اس دور میں خدا نے بے حساب رحمتیں کر دی ہیں. رسول اللہ کو ہم کہتے ہیں نبی آخر الزمان, آخر زمانے کا نبی, کیونکہ یہ سارا وقت 425,000 برس کا رسول اللہ کی شفاعت سے اور رحمت سے چلے گا. تو یا مولا یہ دسواں دور ہے اور تو نے پرومس کیا ہے, وعدہ کیا ہے, وہ پورا کر. تو اس نے وعدہ کیا کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ جو میرے ہوں گے میں ان سے رحمتیں کروں گا, یہ اس کا وعدہ ہے. سامی مارا جھونا وچن سنبھالو کہ تو پرانا اپنا جو وچن ہے کہ میں جو میرے ہوں گے ان کو میں اپنے نزدیک رکھوں گا, ان کو میں دکھوں سے نجات دلاؤں گا, ان کی میں مدد کروں گا, تو اس وعدے کو پورا کر. وشو نے وردیوں قائم سوامی, وشو کو تو نے جو وعدہ کیا ہے اس حساب سے تو اس کے ساتھ شادی کر, اور رکی سرنا جیو سدھارو, مومن کا جو جیو ہے اس کو تم آخرت تک پہنچاؤ. ابھی وشو سے مطلب زمین, لیکن وشو کو ور کے تو مومن کے جیو کو کیسے سدھارے؟ یہاں اشارہ یہ نہیں ہے کہ مولا آپ کی دنیا کے اوپر فتح کر کے راج کرے اور مومنوں کو ایروپلین دے دے, موٹر دے دے اور بنگلے دے دے, یہ تو رکیسر کے جیو کے سدھارنے کی بات نہیں. وشو کماری ہمارا جو جیو ہے, شریر کو بھی بدن کو بھی وشو کماری کہتے ہیں, اور میرا یہ جو جواب ہے وشو کماری کا وہ گنانیہ ہے. گنان ہے من دیا وشوار جگو جگو بھائی مشار. اس گنان کے اندر یہ پاٹ کتنے اچھے لفظ ہیں کہ ہیت پریت محبت سے اور اپنا آپ سپرد کر دینا, یعنی سبمیشن کہتے ہیں, جو اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے سبمٹ ٹو دی ول آف اللہ, محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ, جس نے اپنا تن اور من حضر امام کو دے دیا, وہ جیو وشو کماری ہے. تو
को या मौला हर जीव को जो विश्व कुमारी है तूने प्रॉमिस किया है कि मैं तुमको करीबी कुर्बत दूंगा, मतलब तुमको नजदीक रखूंगा, तो तू वो पूरा कर और जीवों को सुधार यानी उनकी आखरत बना दे। तो मतलब क्या है, हर एक जीव को अल्लाह के नूर तक पहुंचा दे, ये इस पाठ में इशारा है। तो इस पाठ से क्या निकलता है, दूसरों के लिए भलाई की दुआ, सखावत, भलाई, नेक दुआ। और जो आदमी खुदा की पास से नियामत पाता है तो वो आदमी दूसरों का भला करता है। एक तकिया लेके बैठा जी, तू मोरे मन वसे भोर गानी नाम सुध पाया। बहुत मोटा है ये। तेरे साथ
मेरी शादी हो चुकी है, अब तू आके मुझे लेके जा। तो सारा वो जिक्र किया है, उसमें सब रूहानियत है। वो जब जिनान जो है, अगर आप उस जिनान को पढ़ो और उसमें जो छुपे हुए लफ्जों के अंदर जो रूहानियत बताई गई है वो कभी समझ में आवे तो वो जिनान आदमी को हाल बेहाल कर देते। ऐसा मस्ती वाला जिनान है। तो हमारा जो जीव है वो कुंवारी लड़की है कि जिसने किसी भी मर्द के साथ कोई भी यूनियन नहीं की, यानी ईमान के सिवा हमने कभी किसी की बयत नहीं की, किसी के ऊपर हमने ईमान नहीं रखा, हमने किसी को भी अपनी ईमानी और यकीनी हालत नहीं दी, तो ये कुंवारपना है। और ये कुंवारपना एक इस्बत की और नेकी और आला दर्जे की खूबी है। तो या मौला, हमारा जीव वो तेरी मिलकत है, अपना वादा पूरा कर। वादा तेरा ये है कि जो मेरी बंदगी करेंगे मैं उनको सीने से लगाऊंगा, यानी उनके साथ फना का दर्जा होगा। तो मोमनों का जो जीव है तब तो उनको ठीक कर, उनकी दुख दलिदा दूर कर। तो ये खुदा का वसल पाने की, यानी कि इबादत के रास्ते से, ये इबादत की नियामत मांगी है इस तीसरे पाठ के अंदर। तो मैंने यहाँ इबादत लिखी है, इसके साथ एक और चीज लिखता हूँ और वो ये है वसल हक, यानी खुदा ताला के साथ वसल है। करूं सेवा हमारी सेवा का लफ्ज आया है तो उस सेवा के मतलब इबादत है।
اگر آپ جماعت خانے میں کوئی جماعت کی خدمت کر رہے ہو تو وہ بھی عبادت ہے. اگر کوئی مکھی کامڑیا بن کے کہ عہدے دار بن کے یا کوئی نیچے جھوٹیاں رکھ کے یا جھاڑو نکال کے جماعت خانے کو صاف کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. مولا کے حضور میں ایک کچھی آدمی تھا, بڑی عمر کا آدمی تھا, اچھا عابد تھا, مومن تھا. ایک دفعہ کہتے مولا تم کوئی مچھر راضی تھی تو ان کے کرو دیے. سب کے ساتھ اس کا سلوک ایسا تھا اور کچھی کے سوا کوئی زبان جانتا نہیں تھا. مولا فرمایا جب میں کسی پہ راضی ہوتا ہوں تو اپنی خدمت دیتا ہوں. تو پھر بولتا کہتا ہے کہ جی وہ وضو راضی تھی تو کرو دیے. صاحب نے فرمایا بڑی عبادت دوں, خدمت دوں. پھر کہتے کہ تم جتنے راضی تھی بہت زیادہ راضی ہو جائے تو کیا دے دے. تو صاحب ہنس کے کہتے میں اس کو بڑی خدمت دوں. تو خدمت جو ہے وہی عبادت ہے. یا مولا میں تیری خدمت کروں, میں تیری عبادت کروں, یہ میری آرزو ہے. تو مجھے اس میں سے سب کچھ سمجھ ملے گی اور تو میرے اوپر رحمت کر کہ میرے منہ سے وہی چیز نکلے جو تیرے کو پسند ہو. یہ نبیوں کی حالت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا, وہ منہ کھولتا ہے تو میری مرضی سے بولتا ہے. تو یہ حالت کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. خدا کی یہ نعمت ہے کہ جس انسان کو عبادت اور خدمت کا موقع ملے. تو چوتھی نعمت میں سے یہ نعمت ہے. جی بھلی بتا گو عبادت دو چیزوں کے اوپر آدھار رکھتی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ عبادت کا قیام دو چیزوں پہ ہے, ایک تو عاجزی کرنا, دوسرا استغفار کرنا. استغفار کا مطلب توبہ کرنا, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. تو یہ دونوں چیزیں یہاں رکھی ہیں. یا مولا میرے کو تو اچھی سمجھ دے, نیکیاں کروا, بدیوں سے مجھے بچانا. یہ دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں کہ تو مجھے بدی سے بچائے اور میرے سے نیک عمل کرائے. تو یا مولا تو رحم والا ہے, ہمیشہ رحمت کرتا ہے, کرم کرتا ہے, میں گنہگار ہوں. تو اس کے اندر وہ دونوں چیزیں آ گئی, ایک عجز و انکساری کہ یا مولا میری یہ طاقت نہیں ہے کہ میں بدی سے بچ سکوں کیونکہ بدی میں اتنی قوت ہے کہ مجھے کھینچ لیتی ہے. اور انگلش میں کہتے ہیں کہ دیر از اے ٹیسٹ ان ٹیمپٹیشن. میں آ کے غصے میں نہیں, جوش میں آ کے کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جو لوگوں کو پسند نہیں. تو ذکریہ نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ لوگ ان کو مارنے کے لیے دوڑے, حضرت یونس بھاگے, بھاگ کے بہت دور چلے گئے, دریا کے کنارے پہ جا کے وہاں دم لیا. پیچھے دیکھا تو کچھ تھا نہیں, تو یہاں ہاتھ منہ دھونے کے لیے بیٹھے. بیٹھے تو پانی میں گر گئے. گر گئے تو ایک مچھلی نے ان کو کمپلیٹ بھی نگل لیا. تو بڑے سائز کی مچھلی ہوگی, ویل کی طرح ہی.
जब मच्छी के पेट में गए तो उस वक्त कहते हैं अंतर सुबहाना का इन कुम तो मैंने जालिमी, तू तो पाक है, मैं ही जालिमों में से हूं, यानी मैं भाग आया, क्या करते मुझे मारते, तो तू बचाने वाला तो था, मगर इंसान है ना, इंसानी हालत में इंसान भूल करता है। तो जब मच्छी के पेट में गए, शांति हुई, सुकून मिला, तो ख्याल आया कि ये मैंने क्या किया, अंत सुबहाना का इन कुन तो मैंने जालिमी, तो ये तेरी तरफ से कर्म हमेशा पाप दोष है मेरा, खुदा इस पे राजी होता है, उसको ये समझ देता है कि वो अस्तगफार करे और आजिजी करे, तो अज्जो इनकसारी और अस्तगफार ये नियामत है जो पांचवें नंबर की इस गिनान में रखी। अति Yeah.
इसके अंदर रहमत और बख्शिश मांगिए। या मौला कृपा करते हैं, यानी रहमत करते हैं, मेरा सब दुख दलित दुख तकलीफ या वो सब चीजें याली मत कैसे हो सभी ठीक है। यहाँ दुख दलित्र से मतलब गरीबी भूख ये नहीं, यह दुख दलित्र गुनाह नापाकी गंदे ख्याल बेईमानी जो खुदा के रास्ते से हटा देती है ये दुख दलित्र है, क्योंकि रूह को यही चीजें खराब करने वाली है। रहम करके या मौला मेरी ये बदियां ये मेरे दुख दलित्र दूर कर दे। तू महाव है, महाव से यहाँ मतलब ग्रेट अंता कबीर या मौला तू अकबर है, सबसे बड़ा है। मुकंद है, मुकंद कहते हैं भूल करने वाले को माफ कर देने वाला। मुरारी कहते हैं बख्शिश देने वाला। तो भूल करे और माफ कर देवे उसका नाम है वहाब। वहाब गफूर, और वहाब का दूसरा मतलब ये भी होता है कि बिन मांगे जो बख्शिश देवे तो वह वहाब है, अल्लाह वहाब। मांगे बगैर बख्शिश देवे या माफी मांगे बगैर माफ कर देवे उसको भी वहाब कहते हैं। तो हम सुबह की दुआ के बाद ये जो चार तस्बीहें निकालते हैं उसमें एक ही वहाब का नाम है। तो ये मुकंद का मतलब बख्श देने वाला, और मुरारी कहते हैं बख्शिश देने वाला, और महाव कहते हैं अकबर बिन ग्रेट सबसे बड़ा। या मौला मेरे ये दुख दलित्र मेरे गुनाह गुनाहों की तरफ मेरा रोजान ये मेरी बदियां बुराइयां मेरे बद ख्याल नापाकी गंदगी इसको दूर कर दे। तू तो माफ करने वाला बख्शिश देने वाला बड़ा है। तुझे त्रुठे नव नंद पाऊ, तुम अगर राजी हो जावे तो नौ की नौ नियामतें मुझे मिले। जो तेरी नजर होवे तेरी रहमत होवे तो इस गिनान के इस पाठ में जो नियामत मांगी है तो उसकी रहमत और बख्शिश की मांगी है। हे जी आश करी ने आली तेरे दर तो हातम ने कभी उनको मना ना किया। तो इस तरह से
फिर हम कभी दिन मौला के पास आजी करते हैं, मैं तेरे दरवाजे पे इस उम्मीद से आया हूँ कि तेरे दरवाजे पे आके कभी ना उम्मीद नहीं कोई होता। तेरा दर ऐसा है कि वहाँ से कोई खाली झोली लेके वापस कोई नहीं आता। मौलाना मुर्तजा अली के लिए ये बात थी। हज़रत इमाम सुल्तान मुर्तजा ने लिखा है कि मुर्तजा अली से कोई तलब करता था तो मुर्तजा अली उसको देते थे। मौला के दर पे जाके ना उम्मीद कभी नहीं हुआ, तो इस उम्मीद से कि तेरे दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं फिरा, मैं ये मांगता हूँ कि तू मुझे अपना दीदार दे, क्योंकि मैं तेरे चरणों में पड़ा हूँ। ये तेरा महावर है, दीदार की बख्शीश सबसे बड़ी बख्शीश है। क्या मौला तू मुझे अपना दीदार दे, क्योंकि तू बहुत बख्शीश देने वाला है और मैं तेरे पाँव में गिरा। तो दीदार और कुर्बत की जो सबसे आला नियामत है, दुनियावी हिसाब से हमारी सबसे पहली नियामत, पहला जो खुदा की बख्शीशों का दर्जा है, अव्वल वो है ईमान। तो ईमान के बाद ये सारी चीजें आई। अब इसकी एकदम मैक्सिमम हालत आ जाती है और वो ये है खुदा की कुर्बत और उसका दीदार। पनाह है खुदा की, तो खुदा जिस पे राजी होता है उसको अपनी पनाह देता है।
इस पाठ में श्री रश्मि कबीर जी ने पनाह मांगी है, सलामती मांगी है। ऐ मौला, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी पनाह में आया, तो ये सारी दुनिया झूठ से, कपट यानी कीना और छल यानी फरेब, इससे मौला ये दुनिया भरी हुई है। मेरे को ईमान की हालत में रहने दे, मेरा ईमान सलामत रह ले, और नेक हालत में मैं तेरे पास आऊं तो खुदा की पनाह मांगी और सिरात अल मुस्तकीम पर रहने की सलामती की दुआ मांगी। तो ये जो नौ नियामतें हर एक पाठ के अंदर एक एक दुआ और एक एक नियामत, जो खुदा ताला की नौ नियामतें हैं जिसको हम नौ नंद कहते हैं, वो उसके पास से इस विनती में मांगी है। खुदा न करे आपको दुनिया में कोई तकलीफ आवे, कोई मुसीबत आ जाए, तो उसके लिए बहुत सी दुआएं हैं, जैसा कि या रहमान या रहीम की तस्बीह निकालो तो दुनिया के दुख गलत होते हैं। खुदा न करे कोई बहुत बड़ी बला आ गई कि जिसमें आबरू और ईमान और पैसा और तंदुरुस्ती सब चले जाने का डर हो, तो उस वक़्त या रब बला बिगड़ना बहक के शाह मरना, तब ये तस्बीह निकालोगे तो अली शमाबत ने फरमाया बहुत ताकत वाली तस्बीह है, तुम जरूर उसमें से निकल जाओगे। लेकिन दुनिया की नियामतें, दौलतें और सुख और दुनिया के दुखों में से बचाव के लिए जैसे हम दुआएं और तस्बीहां निकालते हैं और मांगते हैं, इसी तरह से मोमन को अपनी रूहानियत के लिए भी, अपनी आखिरत के लिए और मौत के बाद जो हमारी जिंदगी है उसके लिए, कि वो जिंदगी हमारी अच्छी हो गई, तो उसके लिए हमें खुदा के पास क्या दुआएं मांगनी वो ये गिनाना है। आप हर रोज कम से कम एक दफा खुद ये गिनान घर में, दुकान पे, रस्ते में, अपने मन में एक दफा जरूर बोलो, और ये गिनान बोलने के बाद एक तस्बीह पीरसा की कि रसूल कबीर दिन के शुक्राने के लिए कि जिसने हमको ये नियमत बख्शी, ये हमें रहनुमाई की और हिदायत की, तो एक तस्बीह पीरसा की निकालना, और हर विनती के बाद एक पीरसा की तस्बीह होती है, और वो होती है उस गुरु की ग्रेटिट्यूड के अंदर, शुक्राने के अंदर, कि जिसने हमें ये राह बताई। तो ये एक दफा इस चीज को जरूर मांगो। मैंने अभी कहा कि मौत के बाद हमारी जिंदगी अच्छी बने, इस्लाम का और खसूसी इस्माइली मजहब का यही एम है कि इंसान जो है वो प्रोग्रेस करे, डेवलप हो गए, और सारी नेचर जो है वो डेवलपिंग कंडीशन में है, प्रोग्रेसिव है, दुनिया आगे बढ़ रही है, एवोल्यूशन के हिसाब से भी, इलम के हिसाब से भी, रूहानी हिसाब से भी नेचर प्रोग्रेसिव है, हमें उसके अंदर प्रोग्रेस करनी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि हम आज इंसान हैं तो जानवरों की हालत में से निकल के हम इर्तकाई मंजिलें तय करने के बाद, जिसको इंग्लिश में एवोल्यूशन कहते हैं, हम आज इस हालत पे आए हैं। हमें आज इस हालत से भी ज्यादा आगे बढ़ना है, और भी आगे बढ़ना है, यहाँ तक के हमको एक दिन खुदा के नूर में फना हो जाना है। ये हमारे मजहब का एम है, ये हमारी मंजिल है। जब तक हम खुदा के नूर में फना नहीं हुए, तब तक हमें इबादत करके हमें चलना है, सफर करना है। सफर में पत्थर आएंगे, सफर में रास्ता खराब आएगा, भयानक जानवर भी मिलेंगे, बियाबान जंगल भी आएंगे, गर्मी सर्दी भी आएगी, बारिश भी मिलेगी, पहाड़ों पे चढ़ना होगा, आबशारों से टक्कर लेनी होगी, नदी नाले क्रॉस करने होंगे, ये सब मुसीबतें उठानी है माशूक तक पहुंचने के लिए, और वो माशूक अल्लाह ताला की पास जात है। ये हमारा एम है, हमारी जिंदगी का ये एम है। और मैंने जिस तरह खाना खाने से पहले अर्ज की कि हमारी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें उस मंजिल के वास्ते जो सरो सामान और तैयारियां हैं वो भी करनी चाहिए,
और उन तैयारियों में मैंने कहा कि कभी अल्लाह से मोहब्बत है, हज़र इमाम का जो नूर है वही पाक अल्लाह की ज़ात है, अगर हमें उससे मोहब्बत है और हम अपने आमाल के हिसाब से अपने अंदर बद ख्याल रखें, नापाक ख्याल रखें, हमारे काम अच्छे नहीं, हमारी ज़बान अच्छी नहीं, हमारे हाथ अच्छा काम नहीं करते, हमारी नज़र नापाक है, हमारे ख्याल नापाक हैं, तो ऐसे हालत के अंदर खुदा हमको कैसे मिल सकता है। अगर पाक जात के साथ दोस्ती रखनी है तो पाक बनो, तब ही जाके हमको वो नियामतें मिलेंगी। जितने भी अल्लाह के बंदे हैं उनसे जानबूझ के गलती नहीं होती, जानबूझ के गुनाह कभी नहीं करते। हमें सबसे बड़ा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस रहा, इधर आके 8 दिन हुए मुझे, पाकिस्तान की जनरल हालत देख के मुझे बहुत दुख हुआ। ये इस्लामी मुल्क, हमारा दावा इस्लाम का, जितना गुनाह यहाँ मैंने देखा है, मैं अभी अभी सारी दुनिया का ट्रिप लगा के आया हूँ, 4 महीने घूम रहा हूँ, जितना गुनाह मुझे पाकिस्तान में नजर आया कहीं नहीं था, कहीं यहाँ लोग नहीं जानवर बस रहे। मुसलमान की बात छोड़ दो, लोग नहीं जानवर बस रहे। तो जिस तरह जानवर के अंदर भलाई बुराई का कोई ख्याल नहीं होता, जानवर के अंदर जिस तरह से खुद गर्जी होती है, जानवर के अंदर जिस तरह से जुल्म और गुस्सा ये चीजें होती हैं, ये चीजें यहाँ आम है। अच्छे लोग हैं यहाँ बहुत छोटे। 8 दिन पहले 20 दिन मैं हिंदुस्तान में रहा, बम्बई देखा, दिल्ली देखी, पूना, अहमदाबाद घूमा। मैं भी सोचा या मौला, यहाँ इस्लाम है वहाँ हिंदुइज्म है, मगर वो लोग इन मुसलमानों से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बदियाँ बुराइयाँ हर जगह है, हर जगह, लेकिन कहाँ बदियों का हिसाब कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, मगर यहाँ ज्यादा से ज्यादा बदली हुई, चोरी, फूट, फरेब, कत्ल, खुदगर्जी, सब तरह की बुराइयां। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। तो आप लोग यहाँ मोमन बैठे हो, आप लोगों में बात अच्छी रूहे हुए हैं। आज मैं अर्ज करता हूँ, हर रोज पाकिस्तान के लिए दुआ मांगा करो। पाकिस्तान की हालत और भी खुल जाएगी, और भी गिर जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह कुछ वर्षों के बाद अच्छा होगा। आप लोग इबादत करो, दुआ मांगो, तो अपनी औलाद के लिए, जमात के लिए, अपने लिए, मगर ये भी कहना जो कि जमात खानों में मुख्य कमरिया दुआ मांगते हैं कि या मौला तो पाकिस्तान को सलामत रखे। ठीक है, सलामत तो रहेगा, पाकिस्तान बिकेगा नहीं, लेकिन मैं जो कहता हूँ दुआ मांगो, तो ये मांगो कि पाकिस्तान के लोगों को ईमान की तौफीक दे। यहाँ लोगों में ईमान नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान है। या मौला पाकिस्तान को नेक बना और अच्छा बना, यहाँ के लोगों को अच्छा पक्का सच्चा मुसलमान बना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर इर्द गिर्द काफरों में रहते हैं तो ईमान की सलामती मुश्किल होती है। और ये आखिरी पाठ में तीरथन कबीर जी ने ये मांगा कि या मौला ये सारी दुनिया ये युग पूर्ण कपट छल भरिया, झूठ सीना और फरेब से भरा हुआ है, मेरा ईमान सलामत रहे, मुझे इस तरह से उठाना। खुद दुआ मांगो, हर रोज दुआ मांगो, कभी भी आप काम काज करते करते खुदा याद आ जाए तो जिनको आप प्यार करते हो उनके लिए भी दुआ मांगो और अपने मुल्क के लिए दुआ मांगो।
اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على احمد سے من ہٹا کر نور احد کو دیکھ لو احمد سے من ہٹا اللہ کی رحمت دیکھ لو یا کریم آل محمد شاہ کریم نور محمد شاہ کریم آل محمد شاہ کریم نور محمد ان پر پڑھو درود و سلام تم ایک سمجھ لو محمد